हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मोटर वर्ल्ड। तो बहुत दिन से ही मेरे चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा हुआ, इसलिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि थोड़ा कंटेंट भी नहीं मिल रहा था इसलिए वीडियो नहीं अपलोड हुआ। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम राइडिंग जैकेट एवं राइडिंग ग्लव्स लिया, वही दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा वर्कराउंड है, थोड़ा सा रिव्यू टाइप का, जेम कौन सा मैंने राइडिंग ग्लव्स लिया और कौन सा राइडिंग जैकेट लिया, चलो दिखाते हैं वीडियो में। और वीडियो अच्छा भी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को वो से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने मोटिवेशन मिलता है वीडियो करने के लिए। अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो ठीक है, चलते हैं वीडियो में, दिखाते हैं आपको मेरा लाइफ का फर्स्ट राइडिंग जैकेट। राइडिंग जैकेट लाइफ का फर्स्ट टाइम मेरा राइडिंग जैकेट, ठीक है। ये आता है मोटो टॉर्क के, देख सकते हो इधर लोगों मोटर के डबल एक्सेल है। तो इसके अंदर ही ग्लव्स है, देख सकते हो, मैं ओपन करके दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। और इसका जो पैकेजिंग आता है, इस टाइप का पैकेजिंग आता है, देख सकते हो इधर टाइप का कुछ दे, हैंडल टाइप का देख सकते हो इधर, और मोटो टॉर्क का आता है। तो पैकेजिंग अच्छा ही लगा, इतना बुरा पैकेजिंग भी नहीं है। इसका प्राइस मैं दिखा देता हूँ इधर, 6699 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जीप आता है, जीप ओपन कर बाहर आता है, बाहर आने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरा राइडिंग जैकेट जो देख सकते हो ब्लैक कलर से आया है, और इसका जो इधर लोगो आता है मोटो टॉर्क का MT, देखो MT करके, MT जो हमारा बाइक है उसका लोगो नहीं है तो ऐसे करके। और ये जो वाइट कलर का देख रहे हो, बहुत रिफ्लेक्टर है इधर भी, ये सब कुछ रिफ्लेक्टर है, रात में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और ये एडजस्टर दिया है, आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और इधर जो दिया है वेंटिलेशन के दिया है, ठीक है। और इसका एक फ़ायदा है, इसके अंदर ही रेल लाइनर आ जाता है एक ही प्राइस में। राइनॉक्स जब लेने के लिए गया था तो राइनॉक्स और रेल लाइनर जो था वो अलग से ख़रीदना पड़ता, बट उतना प्राइस भी नहीं था। राइनॉक्स जो मेरे बजट के अंदर आता था उसमें एक दिक्कत हो रहा था, उस चेस्ट प्रोटेक्टर है वो नहीं था, विदाउट चेस्ट प्रोटेक्टर अलग से ख़रीदना पड़ता था, तो फिर भी बजट बहुत बढ़ जाता, इसलिए ये ले लिया मैं। अच्छा है मेरे हिसाब से, अभी तो अच्छा ही लग रहा है, यूज़ करने के बाद पूरा बोलूँगा कैसे है, अभी उतना नहीं बोल सकते क्योंकि अच्छा है, क्योंकि उतना भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। इधर जो देखते हैं पूरा रिफ्लेक्टर है, जो मोटर टॉर्क का बाइंडिंग आता है। इधर एल्बो प्रोटेक्टर है, देख सकते हो एल्बो प्रोटेक्टर, आर्म प्रोटेक्टर भी है, बैक प्रोटेक्टर, इधर भी एल्बो प्रोटेक्टर, इधर भी एडजस्टर मिल जाता है, आपको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको खोल के दिखाता हूँ, इधर पॉकेट भी है, कुछ भी रख सकते हो, मतलब फ़ोन टोन कुछ रखना है तो बाद में, ठीक है। स्टेप का आता है, ओपन कर दिया फिर जीप, तो अभी तो जीप ओपन कर लिया। जीप ओपन करने के बाद देख सकते हो अंदर का, ये जो है चेस्ट प्रोटेक्टर, ये लेवल 2 का बोल रहा था वो लोग, तो मैंने लेवल 2 का ही देखा है, वेबसाइट में जाके लेवल 2 भी देखा है, इधर मोबाइल के लिए दिया है, देख सकते हो इधर चिपचिपा दे दिया, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट था मेरा वो फुलफिल हो गया, तो मैं इसको उठा लिया, ठीक है। अगर आपका जो बजट है वो अगर ज़्यादा है तो दूसरा ब्रांड भी जा सकते हो। देखो राइनॉक्स बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत रिलायबल भी है, और बहुत सारे राइडर 90% राइडर राइनॉक्स बोलता है, और भी बहुत कुछ बहुत बोलता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से ले लो। और ये दो देख, इधर भी चेस्ट प्रोटेक्शन है, ये जो बैक प्रोटेक्शन है ये बहुत अच्छा है, देख सकते हो, मतलब वीडियो में उतना फील नहीं हो रहा शायद, बट रियल में बहुत मोटा है, ठीक है। उतना भी देखो ठीक ठाक है, मतलब राइनॉक्स का जो मेन दिक्कत था, राइनॉक्स का जो ये चेस्ट था ना, चेस्ट प्रोटेक्शन नहीं आ रहा था, जो मेरा बजट के अंदर था वो 7000 कुछ था राइनॉक्स का, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये नहीं आ रहा था, ठीक है। तो
ये मेरे को अलग से ख़रीदना पड़ता था, अलग से ख़रीदने इसका प्राइस भी 1100 आ जाएगा, 1000 के ऊपर ही आता है, तो इसको 1000 के ऊपर ख़रीदना। इस जैकेट का जो प्राइस है 6000 के अंदर ही आ जाता है, तो मैंने ले लिया, तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है इसका ऊपर, और क्वालिटी भी ठीक ठाक ही देख सकते हो, मतलब उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। ठीक है, इधर जीप का क्वालिटी भी अच्छा है मोटा वाला। इसका एक ख़ास बात है, इसका वारंटी मिला मेरे को 1 साल का, कुछ हो जाता स्ट्रेचर बोला तो है लेके आएंगे, ले आना भैया, हो जाएगा सब कुछ, वारंटी में है, तो बाद में देखते हैं। आप इसका ऊपर बिलीव मत कर लो, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट होता नहीं है, मतलब काम तो नहीं करता। भी एडजस्टर मिलता है, देखो ये हाथ में भी जीप मिलता है। ठीक है, मैं सब कुछ ठीक ठाक देख लिया। आप बारी है राइडिंग ग्लव्स दिखाने के लिए, तो वो दिखाता हूँ। बहुत चीप प्राइस का है, तो ब्रांडेड ख़रीदना भी नहीं चाहता। और ब्रांडेड का जो प्राइस है यार, बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जा रहा था। ठीक है, तो ये रहा राइडिंग ग्लव्स। ठीक है, नॉर्मल ग्लव्स है, ब्रांडेड नहीं है, और ठीक ठाक प्रोटेक्शन आ गया, इसलिए ले लिया। जब भी तुम ग्लव्स लेने के लिए जाओ, तो एक देखना इधर जो प्रोटेक्शन है, ये वाला प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर तुम गिरोगे तो ऐसे गिरना है, तो ऐसे अगर गिरोगे तो ये जो है ना, इसमें बहुत प्रेशर लगता है, मतलब देखना चाहिए इसमें प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो जो हम लोग तालू बोलते हैं, कुछ भी बोल लो तुम, तो इसमें प्रोटेक्शन है। इधर जो है ना ये वाला, इसका जो प्रोटेक्शन है वो एक क्लास होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। तो इसका जो है ना ये ग्लव्स का, ये अच्छा लगा, क्योंकि ये इसका प्राइस भी कम था। कुछ इसका ब्रांड दिखा देता हूँ, SSPEC देखते दिख रहा हो, स्पेस कुछ है, पता नहीं क्या लिखा है लोग। ठीक है, तो जो प्राइस मेरे मिला वो 500 में आ गया, कुछ 500-600, हाँ 515 में आ गया। ठीक है, तो इसका एक अरे टच भी दे दिया है, तो बहुत बार क्या होता है ग्लव्स पहनने के बाद, वो मोबाइल टच करने के टाइम बहुत खोलना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए मैं टच भी ले लिया। कवर वो दिखाना भूल गया था, इस जैकेट का जो रेन कवर इधर में है, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये जो जैकेट देख रहा हो मैं, सॉरी, ये जो रेन कवर देख रहा हो, इस जैकेट का ही है, मैंने 2-in-1, मैंने एक में दो आ गया। ठीक है, तो इस जैकेट का ऊपर ही, जैकेट पहनने के बाद ही रेन लाइनर पहन सकते हो, इसके अंदर नहीं, जैकेट का अंदर नहीं, जैकेट के ऊपर ही पहन सकते हो। ठीक है, देख सकते हो रेन लाइनर, इधर रिफ्लेक्टर दिया है, मोटोटोर का बैंडिंग है, अजीब सिस्टम है, इधर कोई भी पॉकेट का सिस्टम नहीं है। मैं आपको बैक साइड दिखा देता हूँ एक बार, बैक साइड देख सकते हो। ठीक है, तो ये मोटोटोर का बैंडिंग है, फिर से रिफ्लेक्टर है, ग्रीन कलर का जो रिफ्लेक्टर है। अच्छा, स्ट्रेचेस का जो ठीक ठाक ही है, मतलब अभी तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा क्या है, तो अभी तो ठीक रख ला है, यूज़ करने के बाद पूरा रिव्यू लेके आऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।